Vyasa Vyananjana Shalakaya Chaturunamiritam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Vancha Kalpataru Vyasa Kripa Sindhu Vyayivacha Patitanam Pamanebhyo Vaishnavibhyo Namo Mahavadannaya Krishna Prema Pradayati Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaurakishi Vrindai Tulasi Jatyai Siyajai Kesavasya Krishna Sabdi Vrindi Shatyavatyai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Shri Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Main सबसे पहले अपने परमाराध्य श्री श्री गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट हूँ विष्णुपाद श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अपनी अनंत कोटि दंडक प्रणति ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात विश्व के बहुत से देशों में उन्होंने प्रचार किया है, सर्वत्र हरि नाम का प्रचार किया है। उनके चरणों में मैं भी अपनी श्रद्धा पुष्पांजलि ज्ञापन करता हूं। मैं वृंदावन मथुरा में रहता हूं। कभी कभी चैतन्य महाप्रभु जी की जन्मभूमि नवदीप धाम में भी रहता हूं, जो वृंदावन जैसा ही है। मैं सोचता हूं कि वहां से छोड़कर के वृंदावन धाम को छोड़कर के इस पाश्चात्य देश में आया हूं। स्वामी जी ने एक बार कहा था हमसे ऐसी भक्ति वेदांत दीजिए, कहा था आप मेरे साथ में चलिए। मैंने उसमें कहा जब वृंदावन छोड़ करके मथुरा छोड़ करके कभी नहीं जाना चाहता हूं, किंतु सोचता हूं कि जिस काम को उन्होंने पूरा की आरंभ किया था उस काम को पूरा करने के लिए मुझको उन्होंने ही अनुग्रह करके बुलाया है। मेरी हिंदी समझ में आ रही है? तो उनके कृपा से ही मैं आया हूं। पौधे लगा गए, भक्ति का पौधा कहां लगाया? लोगों के हृदय में। किंतु बहुत जल्दी जगत से चले गए, इसलिए उन्होंने मुझको प्रेरणा दी कि तुम भी जाओ और उन भक्तों को कुछ सहायता करो जो मेरे जाने के बाद से कुछ विचलित हो रहे हैं। ऐसा ही होता है, भगवान कभी स्वयं इस जगत में उतरते हैं गोलोक वृंदावन से, और कभी अपने प्यारे भक्तों को भी जगत में आचार्य के रूप में, गुरु के रूप में भेजते हैं। तो महापुरुष लोग इसीलिए आते हैं, कृष्ण का अवतार भी इसीलिए होता है, भूले भटके लोगों को भगवान की तरफ में लाने के लिए। तो उन्होंने सारे विश्व में जो भक्ति का पौधा लगाया, हरिनाम का प्रचार किया,
लोगों की भगवान की तरफ में मुड़ा। बहुत बड़ा भारी विशाल काम था, साधारण आदमी के लिए संभव पर नहीं है। इसलिए उन्हीं की कृपा से मैं यहां आया, जो थोड़ा सा उनमें पानी दे दूं, इसलिए मुझे उन्होंने लाया। मैं उनको 1946 से जानता हूं, आज करीब 50-55 वर्ष हो गए, 55 वर्ष हो गए तब से जानता हूं। घर छोड़कर के हमारे पास में मथुरा में आए, हमारे गुरुजी के आश्रम में, उनसे बड़ा प्रीति थी। हमारा नाम भी भक्ति वेदांत नारायण है, तो उनका नाम गुरुजी ने रखा था भक्ति वेदांत स्वामी महाराज। एक धारा में हम लोग हैं, चैतन्य महाप्रभु की फैमिली में हम लोग हैं, सभी एक ही चीज का जगत में देने के लिए दान हम लोग आए हैं। जिस चीज को श्री चैतन्य महाप्रभु जी आए थे देने के लिए, क्या देने के लिए, जिसको कृष्ण जगत में आए थे देने के लिए, राधा जी आई थी, क्या क्या देने के लिए। अभी जगत में हम लोग साधारण रूप में ये समझते हैं कि ये मैं ये शरीर हूं। तुम्हारा नाम क्या है, कहेंगे जो नाम है शरीर का, किंतु शरीर हम नहीं हैं। अभी ईट ड्रिंक एंड बेरी में हम फंसे हुए हैं, खाओ पियो मत करो, किंतु यह जीवन नहीं है। हम भगवान को भूल चुके हैं, इसलिए यह ऐसा समझ रहे हैं। खाओ पियो मौज करो, ऋण करके भी घी खाओ, मरने के बाद में कौन किसका देना जाता है ऋण, बस यही जीवन है, इसके बाद में फिर जीवन नहीं रहेगा, ऐसा समझते हैं। हमको जाना है जगत से, इस चीज को हम नहीं जानते, ये हमको भी जाना पड़ेगा। हम कभी बच्ची थे, बच्चे थे, नौजवान हुए, विवाह शादी हुई, 50 वर्ष के हुए, इसके बाद में बूढ़े होने लगे, लाठी पर भरते करके चलते हैं, डोकरी तब उसको कहते हैं, और डोकरा बूढ़ा और बूढ़ी, और अंत में शरीर को छोड़ करके चले जाते हैं। जगत का कमाई का एक पैसा भी लेकर के नहीं जाना है, कहां जाना है, कहां से आए हैं, मैं कौन हूं कोई नहीं जानता, भूले भटके हुए। इसलिए कृष्ण आते हैं, राम आते हैं, उनके अवतार सब आते हैं, और आचार्य लोग आते हैं हमें बतलाने के लिए ये हम कौन हैं। साधारण रूप में आज मैं कहना ये चाहता था, जब भक्ति किसको कहते हैं, क्या भक्ति चीज है, साधारण रूप में हम इस चीज को नहीं समझ पाते, इसीलिए आते हैं भगवान की। आज कहते हैं ये पितृ भक्ति, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, कहते हैं ना पितृ भक्ति, पिताजी की भक्ति करना, माता जी की भक्ति करना, शंकर जी की भक्ति करो, गणेश जी की भक्ति करो, दुर्गा मैया की भक्ति करो, कृष्ण की भक्ति करो, राम की भक्ति करो, कहते हैं ऐसे जनरल रूप में। यहां तक कि देश भक्ति करो, देश भक्ति, किंतु जब हम विचार करते हैं तब हम इस चीज को समझना चाहते हैं, भक्ति है क्या चीज। पहले ये प्रश्न आएगा कि मैं कौन हूं, क्या उन्हें देखते नहीं जो मैं यही हूं बैठा हुआ हूं, मैं यही बैठा हुआ हूं, मेरा नाम क्या है, मैं अमुक का बेटा हूं और उस स्त्री का पति हूं, तुम देखते नहीं। इस चीज को समझने के लिए गीता में आना पड़ेगा, भागवत पर आना पड़ेगा।
एक समय की बात है कि एक बहुत बड़े भारी राजा थे, भागवत की कथा है, प्रहलाद महाराज जी के उपाख्यान में। प्रहलाद जी का नाम आप सभी लोग जानते होंगे, उनके पिताजी का नाम हिरण्यकश्यपु था। हमारे भारतीय शब्दों में, संस्कृत शब्दों में उसका मान अर्थ छिपा रहता है, बिना माने का नहीं होता है। और सब भाषाओं में उसका अर्थ नहीं होता, लिल्ली टिल्ली फिल्ली, इसमें कोई अर्थ नहीं है। हमारे यहां राधा कृष्ण राम सुनैना इत्यादि सभी नाम इसमें अर्थ होता है, इसलिए इसको सार्थक कहते हैं। इसलिए हिरण्यकश्यपु का भी अर्थ है, हिरण्य माने होता है सोना, और चक्षु होता है अक्ष माने आंख। सोना ही हमारे जीवन में सुख का कारण है, अर्थ ही हमारे जीवन में सुख का कारण है, ऐसा जो समझते हैं उनका नाम हिरण्यकश्यपु है। समझ में आ रहा है? कश्यपु माने था बिछौना भोग, अच्छा परिवार हो, रुपया पैसा हो, अच्छे बिछौने गद्दे हो, अच्छा घर हो, सब तरह का उसमें सामान हो जिसमें हम सुख से रह सकें, ऐसा जिनका विचार है, जो अर्थ से और सांसारिक सुखों से ही हम बहुत बड़े आदमी हैं और इसी में सुख है, ऐसा समझते हैं, उनका नाम हिरण्यकश्यपु है। आज संसार के प्राय अधिकांश लोग ही हिरण्यकश्यपु हैं, और प्रहलाद भगवान का भजन करके समझते हैं कि मैं भगवान का दास हूं, और भगवान की भक्ति में इतना आनंद है, इटर्नल आनंद है, जिसकी साधारण मनुष्य कल्पना नहीं कर सकता। मीराबाई को भजन करने में क्या आनंद था, वो मीराबाई जी ही जानती है। प्रहलाद महाराज जी को क्या आनंद था, प्रहलाद महाराज जी जानते हैं। यदि भजन करके हम उनके बराबरी हों तो समझेंगे। हम लोगों ने माता को, अपनी प्यारी स्त्री को, छोटे छोटे बच्चों को बड़े सुंदर सुखा, रुपया पैसा नौकरी छोड़ करके क्यों आ गए, क्या इसमें आनंद है? अभय चरण जी थे, ऐसी भक्ति वेदांत, बहुत ऊंचे घर के थे, उनके पिताजी बहुत धनाढ्य थे, सब छोड़ करके क्यों चले आए? उनके भी लड़के थे, उनकी भी स्त्री थी, किस सुख के लिए आए? ये प्रहलाद महाराज जी जानते हैं, सुखदेव गोस्वामी जी जानते हैं, जो भजन करते हैं थोड़ा बहुत वो समझते हैं इस चीज को। तो उस समय में हिरण्याक्ष जो था वो मारा गया, भगवान ने बड़ा रूप धारण करके मारा, उसकी लाश पड़ी हुई थी, कफन उड़ा दिया गया। आई एम टेलिंग ऑफ हिरण्यकश्यपु एंड हिरण्याक्ष एंड प्रहलाद महाराज। हिरण्याक्ष वॉज किल्ड एंड ऑल वेर बिटी बिटरली, नो वन टू कंसोल देम। तो वो ऐसे रो रहे हैं कि कोई समझाने वाला नहीं, मेरा पति मर गया, स्त्री कह रही, उसके 50 लड़के कह रहे हैं कि हमारे पिताजी मर गए, प्रजाएं कह रही हमारे महाराज मर गए, उनके मैया रो रही है जो हमारा बेटा मारा गया। फिर हिरण्यकश्यपु उनको समझा रहे, देखो एक राजा था युद्ध में मारा गया, और उसके लाश को ले आ करके घर में रखा, राजभवन में कफन उड़ा दिया गया, और उस समय में सभी जब रोने लगे तो यम महाराज, यम को जानते हैं ना, यम महाराज एक छोटे से 5 का बच्चा का रूप धारण करके आए। बोले भाई किस लिए रो रहे हो?
कोई उत्तर नहीं देता। लोगों ने कहा ये तुम छोटा बच्चा है, नंगा घूम रहा है, तुम क्या समझेगा, तुम जाओ खेलो। कहा जी मैं तो जितना समझता हूं तुम लोग नहीं समझते, ये कहां गए, किस लिए रो रहे थे, ये मर गए। मर गए, गए मैंने काशी गए, वृंदावन गए, ह्यूस्टन गए, कहां गए, न्यूयॉर्क गए, गए कब आएंगे, बच्चे ने पूछा, कब आएंगे, जहां गए हैं अब नहीं लौटेंगे, झूठ बोलता है ये, तो यहीं पर सो रहा है, बातचीत क्यों नहीं करता, करो बातचीत। इसी को जन्म दिया, इसी को बड़ा किया, पाला पोसा, यही सो रहा है उसको उठाओ बातचीत करो, अब नहीं उठेगा, क्यों नहीं उठेगा, ये तो तुम्हारा बेटा था, तब बेटा तो था, तो फिर अब क्यों रोता है, सो रहा है, गया नहीं कहीं, नहीं नहीं ये मर गया। अच्छा कहां गया, मैं तो देखता हूं कि ये सो रहा है। उसने कहा इसमें जो आत्मा थी प्राण वायु, वो आत्मा निकल गई। ओहो बड़ी अच्छी बात तो तुमने बताया, वो जो चली गई आत्मा उसके लिए रो रहे था हम उसके लिए। अच्छा वो कितनी मोटी थी, कितना लंबा चौड़ा था, गोरा था या काला था, अजय ये तो नहीं देखा, ये हमने नहीं देखा, तो फिर किस लिए रो रहे, देखा ही नहीं। संसार में तो लाखों आदमी मरते हैं उसके लिए नहीं रोते, ये यदि मर गया तो किस लिए रोता है, उसको तो देखा नहीं, कोई परिचय नहीं। उसने देखो एक कथा सुनाते हैं, ये विश्व के जितने लड़के लोग हैं और विश्व के जितने आदमी हैं रोएंगे तो ये जी करके आ जाएगा, प्राण वायु आ जाएगी, नहीं आएगा। बंबई में मैं जानता हूं जिससे घर में कोई मर जाता है ना, तो देखते हैं कि रोने वाला तो कोई नहीं है, तो उनको 500 400 हजार 2000 4000 रुपए दे करके रोने वाले को बुला लेते हैं, तो रोने वाले का बिजनेस एक होता है, अभी भी है उनका बिजनेस है, वो घर में रोने वाला नहीं, तो इसलिए कुछ रुपए खर्च करके 5-10 हजार करके 5-7-10 आदमी को बुला लेते हैं, ये तुमको 5 घंटा 6 घंटा 4 घंटा रोना है, इसके लिए पैसे दे दिए जाएंगे। तो वैसे हम सब सारे विश्व को बुला लें तो रोने से वो लौट आएगा, नहीं लौटेगा, फिर किस लिए रोते हो। जिसका जन्म है उसकी मृत्यु भी अवश्य संभावी है, हम लोगों का जन्म है, हम भी एक दिन मरेंगे, ये पूर्ण रूप से सत्य है। यदि सत्य है तो हमको जरूर मरना है, पहला एक भगवान है कि नहीं है ये तो बहुत दूर की बात है क्योंकि देख नहीं रहे, किंतु हम ये देखते हैं कि ये मर जाएगा, ये मरेगा, सभी मरेंगे। और दूसरी एक सत्य चीज है भाई, इस जीवन में सुख नहीं है, यदि सुख भी है तो दुख मिला हुआ, यदि विवाह करने में सुख है सचमुच में तो हम 1,00,000 औरतों से विवाह कर लें, सुख मिलेगा कि और समस्या बढ़ेगी, समस्या बढ़ेगी कि नहीं। यदि इसी में सुख है विवाह करने में तो हम 1,00,000 स्त्रियों से शादी कर लें और 1 स्त्री 50 या 1,000 आदमी से शादी कर लें, शादी करने में ही सुख है तो भाई बड़ी भारी समस्या होगी, इसमें सुख नहीं। यदि भोजन में ही सुख है तो 1 किलो घी खिला दो, क्या होगा, मर जाएगा, इधर इसमें सुख नहीं है, सुख कोई और चीज है, उसको आगे बतलाऊंगा, समझा रहा है। देखो शरीर का ये तो मिट्टी से बना हुआ है और आत्मा अजर अमर है, वो मरता नहीं है, जन्म नहीं लेता, मरता नहीं है, वो सब समय सुखी रहता है। इसलिए इस चीज को समझो। देखो एक कबूतर था, एक कबूतरी, समझ रहे हैं ना, हिरण्यकश्यप इज गिविंग एग्जाम्पल, एक कबूतर एक कबूतरी,
दोनों के बहुत से बच्चे थे, अभी छोटे छोटे बच्चे हैं। उन बच्चों को खिलाने के लिए, अपने भोजन करने के लिए वो जंगल में उड़ करके गए, ये कहीं से कुछ ले आएंगे। जंगल में गए, पेड़ की डाल पर बैठ गए, इतने में देखा हरा भरा मैदान है, नदी का किनारा है, सुंदर सुंदर घासें हैं, अच्छी हवा चल रही है। देखा कि जंगल में घासों के ऊपर में छोटे छोटे चावल के कण बिखरे हुए हैं, मोती जैसे सफेद, बहुत सुंदर। देहरादून राइस, नाम सुना है देहरादून राइस? बहुत सुंदर सुंदर लंबे लंबे कण, बहुत ही सुंदर, खूबसूरत और सुगंध देख करके कबूतरी का मन लोभ से भर गया। पति से कहा, प्रियतम ये चावल के कण बिखरे हुए हैं, हमारे बच्चों के लिए और हमारे लिए बहुत पुष्टिकार और बहुत सुंदर हैं, इनको हम लोग चलें, अपने लिए भी ले आएंगे और बच्चों के लिए भी ले चलें। कबूतर ने कहा, जी देखो इसमें षड्यंत्र है, हमें पकड़ने के लिए ऐसा जाल लगाया गया है, तू नहीं जानती है, मैं जानता हूं। पति स्त्री ने कहा, जी पुरुषों को सब समय षड्यंत्र की गंध आती है, बू आती है, अरे चलो खाएं तो पहले देखा जाएगा। पति ने कहा, जी मैं नहीं जाता भाई, मैं नहीं जाता। वो फुर्रबड़ी और उड़ करके चली गई, दाना चुगने लगी और इशारे से आंख से बुलाने लगी, आ जाओ तुम भी आ जाओ। थोड़ी देर में वो खाने में मशगूल हो गई और इतने में बहेलिया जो पीछे बैठा था पेड़ की आड़ में, काला सा मोटा सा, उसने रस्सी खींच दिया और उसके अंदर में वो फंस गई जाल। अब तो बिलबिलाने लगी, जब रोने लगी तो उसका पति ऊपर से उड़ करके आया और उसके चोंच में चोंच मिला करके, वो जाल के भीतर ये जाल के बाहर, चोंच में चोंच मिला करके दोनों फूट फूट करके रोने लगे, बिलाप करने लगे। हमारा कितना मधुर संबंध था, बचपन से हम लोग मिले, कितने सुंदर सुंदर फुदकते हुए हमारे बच्चे हैं, हम लोगों का यह जीवन कितना मधुर था, आज सब सब समाप्त हो गया। आज काल का कैसा क्रूर, जब मैं, मेरी पत्नी जाल के अंदर में फंसी हुई है, मैं मर जाता तो अच्छा था, मैं बच्चों का पालन पोषण नहीं कर सकती, कर सकता, हमारी ये पत्नी है, बच्चों का जन्म दिया है, उसका पालन पोषण करती, तो मैं तो एक सहारा था, पालन पोषण तो यही करती, ये मैं मर जाता ये बच जाती, बहुत अच्छा होता। और वो कह करके वो भी फूट फूट करके रोने लग गया, रोने में इतने दोनों हो गए, दोनों रो रहे हैं। और उधर बैलिया ने देखा जो बहुत अच्छा मौका है, धनुष बाण निकाला और यहीं से संधान किया पेड़ की आड़ से, और ऐसा बाण मारा लक्ष्य करके उसके छाती में लगा और आर पार हो गया, रक्त से गिर गया वो, और छटपट छटपट करता हुआ प्राण को छोड़ दिया। थोड़ी देर के बाद में आकर के हंसता हुआ ताली बजाता हुआ, जब हमारा ये चाल ठीक हो गया, हमारे जाल में ये फंस गया ये मरा, अब दोनों को हंसते हुए बांध करके, पैरों को बांध करके यहां पर रख करके ले गया घर और उनकी रसोई बना करके और खा गया, अपने घर वालों को खिलाया। क्या तात्पर्य हुआ? एक मरता है तो इसे समझना चाहिए जी, हमको भी सर पर कार है, आज नहीं तो कल नहीं, बरसों नहीं, 50 वर्षों नहीं, 100 वर्षों में तो जरूर जाना है ना। जातस्य ही ध्रुवो जन्म, ध्रुवो जन्म मृतस्य च, जिसने जन्म लिया उसका मृत्यु, और जिसकी मृत्यु हुई उसका फिर जन्म लेना है, अवश्यंभावी है यदि भजन नहीं किया तो। इस चीज को समझो, एक केश भी साथ में नहीं जाएगा, इस चीज को समझो। इसलिए क्या करना चाहिए? भगवान का कुछ भजन करना चाहिए। भगवान क्या? भगवान जिनमें ऐसी शक्ति है जो ऐसे ऐसे कोटि कोटि ब्रह्मांडों को पलक लगते ही सृजन कर दे,
और कोटि कोटि रूप धारण करके हमारे इस हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हैं, सबका पालन पोषण वही कर रहे हैं। माता के गर्भ में हम कैसे गए और मैया ने खाया रोटी या कोई चीज और वो दूध बन गया, ये कैसे हुआ? मैया खाती है और उसको पहुंचता है सब कुछ और वो पुष्ट होता जाता है बच्चा। यह किसने किया बनाया? किसी साइंटिस्ट ने जगत का? नहीं, किसी ने नहीं बनाया, प्रभु ने बनाया। गजब की उसकी शक्ति, उसमें बुद्धि कैसे दे दिया? साइंस कुछ बना सकता है, साइंटिस्ट लोग बहुत तरह की चीजें बना देते हैं, किंतु प्राण देना ये तो बड़ी मुश्किल की बात है। मिट्टी का एक कण भी साइंटिस्ट नहीं बना सकते, वो भगवान की वस्तुओं को इधर से उधर मिला करके एक से दूसरी चीज बना सकते हैं, किंतु प्रभु के देखो माया कैसी, एक बीज बनाया, उससे बीज से पेड़ हुआ, पेड़ से फल हुआ, और फिर उसका बीज लाख लाख हुआ और फिर अपने आप जमीन पर गिरा और लाख लाख पेड़ हो गए। उसमें 50 पेड़ काट लो कोई भी बात नहीं। एक ऐसा जोड़ा बनाया स्त्री पुरुष का, एक स्त्री के पुरुष से 5, 7, 10, 50 जितने भी लड़के हुए, फिर उनके लड़के के लड़के हुए, फिर लड़के, ऐसे अनादि काल से ये चल रहा है। साइंटिस्ट लोग ऐसा नहीं बना सकते ये एक से एक परंपरा चलती रहे। मैं तो समझता है कि एक चींटी का पैर भी नहीं बना सकते, और की तो बात क्या, आत्मा तो जानते नहीं आत्मा क्या है। जिस दिन ये साइंटिस्ट लोग समझेंगे आत्मा क्या है, कहां से आई, तब मैं समझता हूं कि विज्ञान वो पूरा होगा। इसलिए प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं बचपन से ही भगवान का भजन करो। कौमार आचरित प्राज्ञो, यदि बुद्धिमान हो, बुद्धिमान किसको कहते हैं? इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस क्या है? बम बनाना इंटेलिजेंस नहीं है, उसे तो ध्वंस होता है। ऐसा कोई चीज बनाओ जिसे जगत का कल्याण हो, ऐसा चीज बनाओ। ऐसा कोई चीज बनाओ जिससे दो जो अलग हो गए हैं हृदय, जिनमें प्रेम नहीं है, उसमें प्रेम का संचार करो, तो ऐसा कोई चीज बनाओ। बम बनाते हैं, उसे एक बन से हिरोश जापान का देखो जो उसे भी बड़े शक्तिशाली से बम बन रहे हैं। विज्ञान की बहुत सी उन्नति की, यह तो ठीक है, किंतु विज्ञान की यह देन है, एक श्राप है। क्या? आज स्त्री पुरुष में, पति और पत्नी में वह प्रेम नहीं है जो आज से 50 वर्ष, 100 वर्ष या 500 वर्ष या 1000 वर्ष पहले था। बेटे और बाप में वो प्रेम नहीं रहा, ऐसी शिक्षाएं नहीं है। घर में 4 बच्चे हैं, चारों का बैंक बैलेंस अलग अलग, पत्नी का अलग, पति का अलग, सबका अलग अलग, किसी पर किसी का विश्वास नहीं। तो ये कौन सी सभ्यता है जिसे प्रेम नहीं बढ़ सकता? आज प्रेम दूर होता जाता है। आजकल हम देखते हैं, पहले भारतवर्ष में रामचंद्र जी ने सीता को छोड़ दिया, किंतु सीता ने राम को नहीं छोड़ा, किसी दूसरे पुरुष के पास में गई, या राम हमको छोड़ दिए हैं? नहीं, ऐसा पातिव्रत धर्म था। आज हम देखते हैं विशेष करके पाश्चात्य देशों में, और इसकी हवा भारतवर्ष में भी जा रही है, आजकल वो स्त्री नहीं जो 10, 15, 20, 25 पुरुषों को और स्त्रियों ने पति को बदल नहीं दिया, एक खेल तमाशा सा हो गया। ये बंधन, वैवाहिक बंधन जो हमारा था, पति और पत्नी सदा के लिए, सब समय के लिए जुड़ जाते थे, आज वो कहां रहा है? इस विज्ञान ने उस सबको ध्वंस कर दिया। इसलिए कहते हैं कि बचपन से ही हम लोगों को उचित है
भगवान का भजन करें। भगवान कौन है जो कि विश्व का सृजन करते हैं, उसका पालन करने वाले हैं और उसको समेट भी लेते हैं, यह है ब्रह्म भगवान। बचपन से करो। यदि कोई कहता है भजन किसको कहते हैं, भगवान के प्रति भगवान की सेवा की बुद्धि से भगवान प्रसन्न हो इसके लिए जो कुछ भी कार्य करते हैं उस काम का नाम है भक्ति। अब यह देखना है कि पिताजी हमारे भगवान हैं कि नहीं, क्योंकि भगवान भक्ति से भगवान भगवान की जो भक्ति करता है उसको कहते हैं भक्त, और भक्त भगवान की जो सेवा करता है उसको कहते हैं भजन भक्ति। ये तीनों चीज एक है। यदि हमारे पिताजी भगवान होते तो उनकी सेवा करते तो वो भक्ति होती। इस चीज को अच्छी तरह से समझो ना। यदि हमारी मैया भगवान होती तो उसको भक्ति कहते। इसलिए तुम ये कहो कि मैया की सेवा करो, पिताजी की सेवा करो, अतिथियों की सेवा करो, वो भगवान के सभी दास है। ये तो ठीक है और ऐसा ही होना चाहिए ना? शिव जी परम भक्त हैं, इसलिए वो भगवान के भक्त हैं, वो भजन भगवान का करते हैं, उनको भक्त समझ करके उनकी सेवा करो। और नहीं तो शंकर जी को यदि रावण की भांति भगवान मान लिया और उनकी सेवा करेगा तो शंकर जी कोई सहायता नहीं करते। हुआ रावण का क्या, अपना सिर दे करके रामचंद्र उनकी शंकर जी की पूजा की, बार बार काटता और हवन कर देता। शंकर जी ने कहा भाई तू हमारे लिए इतना कर रहा है, मैं तुमको क्या दूं? तो उसने कहा जी हमको ऐसा दीजिए, हमको कोई मारे भी काट भी दे तो मैं मरूं नहीं, और हमसे विजय हमसे कोई बलवान न रहे, मैं जो इच्छा करूं सो हो। ये ठीक हुआ यही कुबेर की का वो पुष्प छीन लिया और सोने की लंका से उसको भगा दिया कुबेर को। यहां तक कि उनके लड़के की पत्नी को जबरदस्ती खींच लाया, ये नहीं समझा ये बहू है, ऐसा अत्याचार करने लगा और शंकर जी का भजन करता था। शंकर जी ने उसकी रक्षा की, 1,00,000 पुत्र और 1,25,00,000 नाती का ध्वंस हो गया, कोई दिया बत्ती देने के लिए नहीं रहा। कंस शंकर जी की आराधना करता था और कहता था कि हमको ऐसा बल दो जो कृष्ण को मार डालूं। शंकर जी ने अच्छा हमारे प्रभु को तू मार डालेगा, उनको मरने वाला तो कोई पैदा ही नहीं हुआ, वो तो मरते ही नहीं है। ठीक है, क्या हुआ उसका, वो तो रोज शंकर जी की पूजा करता था और मांगता था यही बार हमको धन धन्य हो, हमारा राज्य बढ़े और कृष्ण को भी मार डालो। ये भक्ति नहीं है। शंकर जी भगवान के दास हैं, सेवक हैं, वो राम की सेवा करने के लिए हनुमान बन जाते हैं और कभी कृष्ण की सेवा करने के लिए भीम बन जाते हैं या गोपेश्वर महादेव वृंदावन में है वो बन जाते हैं और उनकी सेवा करते हैं। इसलिए उनकी भी आराधना भक्त मान करके की जाए, तब तक वो सब कुछ दे देंगे, और यदि नहीं तो उनको भगवान मान करके सेवा करेगा और तामसिक मांगेगा तो उनको दे देंगे और उसी से तुम्हारा संहार हो जाएगा। इस चीज को समझना चाहिए, भक्ति किसको कहते हैं इस चीज को समझना चाहिए। आप लोग जानते हैं हरिश्चंद्र को और विश्वामित्र को कितने सत्यवादी थे, उनको अभिमान था कि मैं सत्यवादी हूं। विश्वामित्र रात में पधारे, स्वप्न में आए, उन्होंने कहा जी मैं तुम सत्यवादी हो, मैं तुमसे कुछ मांगने आया है तो मांग लो, मैं तुम्हारा पूरा राज्य चाहते हैं। यूनो हरिश्चंद्र वाज़ सो सत्यवादी एंड ही यूज टू थिंक दैट आई एम सत्यवादी। विश्वामित्र केम एंड ही केम मनली टू मेक हिम रियलाइज दैट यू आर सत्यावादी नॉट यू आर झूठावादी लॉयर लॉयर
मोस्ट लायक इस चीज को समझाने के लिए आए थे। कैसे? उन्होंने स्वप्न में मांग लिया, उन्होंने दे दिया राज्य। इसके बाद दूसरे दिन खुद पहुंच गए। अरे याद है तुझे? क्या याद है? मुझे तो याद नहीं। अरे स्वप्न में हमको राज्य देने ही दे दिया, तो दे तो दिया था, तो फिर राज्य हमको दे दो। तो ठीक है मैंने दे दिया, संकल्प करके दे दो। संकल्प किया, यह राज्य आपके लिए दे रहा। उन्होंने कहा जैसे राज्य तो दिया, दक्षिणा तो कुछ चाहिए। तो दक्षिणा क्या चाहिए? 10,000 सोने की मोहरें, और मैंने सोने का रुपया, इंडियन रुपया जैसा होता है ना, पहले और बड़े बड़े होने रहते थे, मोहर उसको कहते हैं। आजकल उस मोहर का ना जाने कितना दाम होगा, 1,000 रुपये मोहर चाहिए। ठीक है, ओ खजांची इधर आओ, हमारे खजाने से इनको रुपया दे दो 10,000। कहा अरे झूठे, राज्य दे दिया तो खजाना तुम्हारा रहा? ये तो अब मेरा राज्य हो गया, हमारा खजाना हो गया। तुम बाहर से लाओ कहीं से अपना, ये राज्य भी मेरा राज्य से बाहर से जा करके लाओ, और पृथ्वी पर अब मेरा राज्य हो गया, तुम्हारा राज्य पूरा है, अब पृथ्वी पर मेरा राज्य हो गया, पृथ्वी से बाहर से लाओ। अब तो बड़े फेर में पड़े। थोड़ी देर के बाद में कैसे मेरा कैसे उद्धार होगा, मैं तो झूठ बोल रहा, मैं नहीं दे सका। जाओ काशी पृथ्वी के बाहर है, शंकर जी के त्रिशूल पर है, वहां से जाकर के अपने को बेच करके दो। अपने वो उनकी पत्नी और उनका बेटा तीनों गए पैदल। कजर अब रथ नहीं देंगे सोने के, और घोड़ों पर चढ़ करके जाएगा ये अब नहीं होगा, पैदल जा। पैदल गए, बोलने लगे जी मुझको कोई खरीद लो राजा हो करके। सड़कों में जा करके गलियों गलियों में बड़ी मुश्किल से एक डोम मिला नीच जाति का। मरघट पर हमारा काम करना पड़ेगा, जो मर करके आते हैं उनको फूंकते हैं, संस्कार करते हैं, वहीं पर पहरा देना होगा तुमको और उसका टैक्स लेना होगा। मंजूर है? देखा जाओ तो कोई दे नहीं रहा। कितना चाहते हो? 10,000 रुपये। नहीं, हम 5,000 देंगे। तो ठीक है ले लो, 5,000 लिया, उनके यहां बिक गए। अपनी स्त्री को बेचा 2,500 में, अभी 2,500 बाकी रह गया। अपने बेटे को बेचा, तब ये 10,000 रुपया लेकर के गए। एक दिन उसको रात में काट दिया सांप बच्चे को, रोहिताश्व को। मैया रोती ही मरघट पर आई, रात का समय, बरसात का समय और जाड़े का समय, बेटे को लेकर के रोती आई। इन्हों के कान में गया, ये कोई रो रहा है, ये तो मेरी स्त्री जैसा ये कोई रो रहा है, पहचानते। इतने में बिजली कड़की, देखा जी मेरी स्त्री है और रोहिताश्व मरा हुआ है। स्त्री उनको देखा, कहे पति जी हमारे देखो ये बच्चा मर गया। उन्होंने अपना हृदय संभाला, मैं तो अब नौकर हूं। उन्होंने कहा कफन देकर के कोई संस्कार करो, तो मेरे पास में कफन का पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं है, तब अपना साड़ी फाड़ करके दो। जब फाड़ रही थी इतने में विश्वामित्र आ गए, साथ साथ में धर्म आए। अरे झूठा, तेरा नाम क्या है? हरिश्चंद्र। ये झूठा है, ये शरीर का नाम है, मट्टी का। मट्टी का कोई नाम नहीं, और आत्मा अजर अमर इसके भीतर में, उसका भी नाम नहीं। ये क्या नाम है? हरिश्चंद्र उसका नाम नहीं है, असल में तू भगवान का दास है। ये समझा था जी ये राज्य मेरा है और शरीर मैं हूं, तो ये शरीर भी तुम नहीं है, या राज्य भी तेरा नहीं है, ये तो मेरा राज्य है। किसका? भगवान का राज्य। कुछ दिनों के लिए तुमको रहने के लिए दिया था इस घर में, बस यही समझो। भगवान सत्य है, आत्मा सत्य है, और बाकी सब झूठा है। 2 दिन का नाता फिर अंधेरी रात, 2 दिन का चांदनी, 2 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। इस चीज को समझो, जगत से तुम्हारा नाता नहीं है। भगवान ने तुमको इसलिए भेजा कि तुम अपनी आत्मा क्या है इसको समझो, तुम्हारा कर्तव्य क्या है। तुम भगवान का सेवक है, जीवों का स्वरूप ही है भगवान से वो निकले हैं,
और भगवान का दास है, हम सभी उसके दास दासी हैं। इसलिए बचपन से ही भगवान का भजन करो। भक्ति किसको कहते हैं? रूप गोस्वामी जी ने कहा। हम जिस चीज को भक्ति समझते हैं, ये फूल लिया और शंकर जी को चढ़ा दिया, या भगवान राम को चढ़ा दिया, या कृष्ण को चढ़ा दिया, ये भक्ति हो गई। और उनके चौकट पर ऐसे ऐसे किया, ये प्रभु हमारी लड़की की शादी हो जाए, हमारी लड़की की शादी हो जाए, हमारी लड़की की शादी हो जाए, हमारे लड़के की शादी हो जाए, हमारा घर बन जाए अच्छा से, हमारा बिजनेस कुछ आजकल गड़बड़ चल रहा, ठाकुर जी क्या हो, ठाकुर जी ये सब ठीक करा दीजिए। ठाकुर जी इतने मूर्ख तो है नहीं ये तुमने दो पैसे का फूल चढ़ाया और तुम्हारा लाख रुपए का कारोबार करा दिया। वो इतने बेवकूफ नहीं है, वो समझते हैं। इसलिए इसको भक्ति नहीं कहते, इसको बनियागिरी कहते हैं। एक पैसा दे करके और 1000 रुपया उसे ले रहा, ये ठगना है। तो हम लोग भगवान को भी ठगना चाहते हैं, भाई वो ठगेगा नहीं, इसको भक्ति नहीं कहते। इसलिए भक्ति को सुनो, ये भक्ति किसको कहते हैं, इस चीज को समझो, भक्ति किसको कहते हैं। यदि हमने भक्ति की और भगवान से कहा जे प्रभु हम स्वर्ग में जाएं, तो ये बनियागिरी हुई। हे प्रभु मैं जगत में बहुत दुखी हूं, मैं इस जगत से मुक्ति चाहता हूं, मैं मुक्ति चाहता हूं, चाहती हूं, फिर मुझको दुख न रहे, ये क्या है बनियागिरी, मत बोलो ये सब चीजें। किसको भक्ति कहते हैं? अब इस पर विचार करके देखते हैं आप लोग इस चीज को अच्छी तरह से समझेंगे और तब भक्ति आपकी होगी, अन्यथा भक्ति नहीं होगी। इस चीज को और थोड़ा सा बारीकी से समझिए। भस्मासुर नाम का एक दैत्य दानव था, वो शंकर जी के पास में गया, उनकी बहुत सी सेवा की, बेल के पत्ते और पानी से उनको स्नान कराता और तरह तरह से करते 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 सेवा, श्री शंकर जी बड़े प्रसन्न हुए, कहा जे बेटा बर मांगो। उसने देखा जी इसके पास में जो लड़की बैठी हुई है बड़ी सुंदरी अलबेली है, कौन था वो? पार्वती जी। भाई ये यदि मेरी स्त्री बन जाती तो इसके साथ में जीवन हमारा बड़े सुख से कटता, ऐसी सुंदरी विश्व में कोई स्त्री नहीं है। देख करके उसको मुख से पानी ललच करके गिरने लग गया। उसने सोचा जी इसे बर यही मांगना चाहिए कि जिसके सिर पर या शरीर पर हाथ रख दें वो जल करके मर जाए और शंकर को पहले मारूंगा और तब ये लड़की हमारे हाथ में आई। इसलिए उसने क्या किया, शंकर जी से बर मांगा, जिसके शरीर पर हाथ रख दूं या छाती पर हाथ रख दूं वो साथ ही साथ जल करके भस्म हो जाए। शंकर जी ने कहा जय ओम मस्त बेटा, जय ऐसा ही हो, एवं भवतु। ठीक। जब शंकर जी देख करके चलने लगे तो उसने कहा जे आप कहां जा रहे हैं, मैं मुझको ये परीक्षा करनी है, इसलिए आप ही पर परीक्षा करता हूं कि आपने जो वर दिया है वो ठीक है कि नहीं। शंकर जी ने तो बड़ी फेर में पड़ा, आप क्या करनी चाहिए। सिर चुनकाने लगे, हमने ये वर दे दिया, ये हमको मारना चाहता है। भागे वहां से और वो खदेड़ा पीछे से। शंकर जी हाथते हाथते मृग छाला, यहां पर जो बाघ का छाला पड़ा था वो गिर गया, साथ साथ में बड़े जोर से भागे, त्रिशूल कहीं गिर पड़ा, कहीं कुछ गिर पड़ा और वो भगते गए। इतने में विष्णु को स्मरण किया, विष्णु जी सच एकदम झट वहीं आ गए, आकर के एक ब्रह्मचारी का वेश बनाया और बैठ गए। शंकर जी तो चले गए, कहे तुम जाओ मैं जो कुछ होगा संभाल लूंगा। इतने में वो भस्मासुर आया, इन्होंने कहा ये कहां जा रहे हो भाई, क्या बात है, क्या बड़े जोर से दौड़ रहे हो? अब तो शंकर जी को खोज रहा हूं, किस लिए? तो उसने एक बर दिया जिसके छाती पर हाथ रख दूं वो जल जाए, तो मैं शंकर जी को ढूंढ रहा हूं, उनके ऊपर मैं हाथ रखूंगा, परीक्षा करूंगा। अरे बेवकूफ कहीं का, शंकर सब समय पागल आदमी है, उसकी बात का कोई भरोसा है? वो सच नहीं बोलता, तुम इधर में क्या देखो तो यहीं पर वो थोड़े से ऐसा होगा, तुम थोड़े जलेगा, अरे परीक्षा तो करो, यहीं पर रखो। तो साथ साथ में भगवान के माया से मोहित होकर के जब ही उसने सीप अपना, अच्छा ठीक है तो देखूं, तो बस यहां पर रखा और जल करके भस्म हो गया। तो भस्मासुर की जो तपस्या है
और आराधना है, भक्ति है, ये भक्ति नहीं है, क्या चीज है ये? भक्ति के विपरीत है, इस चीज को समझो। इसलिए अपने लिए प्रभु की यदि सेवा करता है ये बनियागिरी है। इसलिए भक्ति किसको कहते हैं अब बतलाता हूं। रूप गोस्वामी जी, महाप्रभु जी, चैतन्य महाप्रभु को आप जानते हो, ये हैं महाप्रभु जी कृष्ण। राधा जी का मूड भाव और उनकी अंग की क्रांति सौंदर्य दोनों को लेकर के जगत में आए थे कृष्ण प्रेम देने के लिए, सबको कृष्ण प्रेम दे करके पागल बनाने के लिए आए थे, सब लोग उसमें प्रमत्त हो जाए। वो अमृत है शुद्ध भक्ति को देने के लिए आए। उन्होंने क्या किया? 45 मिनट ठीक है, 10 मिनट। तो उन्होंने, उनके शिष्य हैं रूप गोस्वामी जी, उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु नाम का एक ग्रंथ लिखा। उसमें उन्होंने लिखा है कि भक्ति किसको कहते हैं। रावण की भक्ति भक्ति नहीं है, भस्मासुर की भक्ति भक्ति नहीं है, यहां तक कि हम ठाकुर जी को जल चढ़ाते हैं वो भी भक्ति नहीं है, और कुछ थोड़ा सा पूजा करके उनसे कुछ मांग लेते हैं भक्ति नहीं, मुक्ति मांग लेते हैं ये भी भक्ति नहीं। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनाव्रतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। अन्याभिलाषिता शून्यम, कृष्ण को आनंद हो, कृष्ण को खुशी हो, कृष्ण की प्रसन्नता हो, इसके अतिरिक्त जितने भी प्रकार की हृदय में वासना कामना वासना है उसको दूर रखो। आ रहा है समझ में? इसको अन्याभिलाष कहते हैं। कृष्ण की भक्ति छोड़ करके कृष्ण की भक्ति बढ़े, कृष्ण प्रसन्न हो, इसका अतिरिक्त सारी कामनाएं हमारी दूर रहे। किसी कामना से भगवान को मत करो। प्रहलाद महाराज जी से भगवान ने, सिंह जी ने कहा हमारे लिए तुमने बहुत कष्ट किया, तुम कुछ बर मांग लो। उन्होंने, मैं बनिया नहीं हूं जो अपनी भक्ति को बेच दूं और आपसे कुछ मांगूं। उन्होंने, फिर भी मांगो कुछ। उन्होंने कहा जी हमारे पिताजी को कोई कष्ट न हो क्योंकि आपका द्रोह किया। नहीं, फिर मैं मांगो कुछ, ये अपने लिए नहीं हुआ। जिस कुल में एक वैष्णव पैदा हो जाएगा उसके 21 पीढ़ी के लोग बिना भजन किए हुए तर जाएंगे, और जिसमें मध्यम श्रेणी के वैष्णव होंगे भक्त होंगे उसके 14 पीढ़ी के लोग तर जाएंगे, और जिसका साधारण है तत्व तो नहीं जानते हैं तभी तो भजन करते हैं, राम राम कृष्ण कृष्ण करते हैं, उनके 7 पीढ़ी के लोग बिना भजन करने के लिए तर जाएंगे उसके माता पिता। तुम्हारे माता पिता तर गए, फिर मांगो। उन्होंने कहा